गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हम लोग अनेकार्थी शब्द पढ़ रहे थे। अनेकार्थी शब्द क्या है? हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। अलग अलग संदर्भों में प्रयोग के अनुसार अलग अलग अर्थ देने वाले ये शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अर्थात एक शब्द जिसका बहुत सारा अलग अलग अर्थ होता है वो अनेकार्थी शब्द कहलाता है। ठीक है, 1 से 16 तक हम लोग पढ़ चुके थे और आज हम लोग 17 से पढ़ेंगे। क्या है दल? दल का अर्थ होता है समूह, पत्ता, पक्ष। समूह यानी टोली, ग्रुप, पत्ता जानते हैं, पक्ष एक पक्ष दूसरा पक्ष, एक दल दूसरा दल, ये कहलाता है दल। नेक्स्ट है दंड। दंड का सजा भी होता है, डंडा भी होता है। सजा जैसे दंड दिया जाता है ना, और डंडा को भी स्टिक, उसे भी हम लोग दंड कहते हैं। नाग, नाग का अर्थ होता है बादल, सर्प, हाथी। बादल को भी नाग कहते हैं, सर्प यानी सांप, सांप को भी नाग कहते हैं और हाथी को भी नाग कहते हैं। नव, नव का अर्थ होता है नौ, नाइन, नाइन नंबर्स जो है नाइन, नौ, नौ ग्रह बोलते हैं ना। नया, नव वर्ष, नया साल। नव का दो अर्थ है, नौ और नया। पै, पै का अर्थ होता है दूध, जल। पै दूध, जल, दूध को भी पै कहते हैं, जल को भी पै कहते हैं। नेक्स्ट है पतंग। सूर्य, टिड्डी, उड़ाने वाली गुड्डी। सूर्य सन, इसे भी पतंग कहते हैं। टिड्डी एक प्रकार का कीड़ा होता है, उसे पतंग कहते हैं। उड़ाने वाली गुड्डी काइट, जो मकर संक्रांति में हम लोग काइट फ्लाइंग करते हैं, पतंग उड़ाते हैं, पतंग, उसे भी पतंग कहते हैं। नेक्स्ट है पानी। पानी जल, चमक, प्रतिष्ठा। पानी का अर्थ है जल, आप लोग जानते हैं। चमक कहते हैं ना, आभूषण का पानी उतर गया यानी उसकी चमक कम हो गई। प्रतिष्ठा, पद, पैर, ओहदा, काव्य। पैर आप लोग जानते हैं, ओहदा पोस्ट, कोई टीचिंग टीचर के पोस्ट पे है तो कोई डॉक्टर के पोस्ट में है, सबका अलग अलग पोस्ट होता है, ओहदा होता है। नेक्स्ट है काव्य। आप लोग करते हैं ना पद परिचय, तो आगे चलकर पढ़ेंगे पद परिचय दो, यानी इस काव्य का क्या परिचय। मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह भी बोलते हैं। दिन, आपका दिन मंगल में हो यानी शुभ हो, मंगल, शुभ को भी मंगल कहते हैं। नेक्स्ट है मधु। शहद जानते हैं, हनी। मदिरा शराब, शराब को भी मधु कहते हैं। वसंत, वसंत ऋतु को भी मधु कहा जाता है। नेक्स्ट है मुद्रा। सिक्का कॉइन, कॉइन को मुद्रा कहते हैं। नाम की मुहर, विशेष मुहर जो लगाया जाता है, नाम का मुहर होता है, उसे भी कहते हैं मुद्रा। शरीर की विशेष स्थिति, विशेष स्थिति में बैठ जाना यानी वो ध्यान की मुद्रा में बैठा है ना, तो ये मुद्रा। राशि, समूह, झुंड, राशियां, मेष राशि, मिथुन राशि, वृष राशि बोलते हैं ना, ढेर बहुत सारी को भी राशि कहते हैं। राग, प्रेम, लाल रंग, इसे भी राग कहते हैं। नेक्स्ट है लाल। राग का और एक अर्थ होता है लय, उसकी लय बहुत अच्छी है, उसका राग बहुत अच्छा है, सुर बहुत अच्छा है, राग लाल। रंग लाल रंग, बेटा मेरा लाल है, लाल है। बहुमूल्य पत्थर, बहुमूल्य पत्थर को भी लाल कहते हैं।
वर्ण, रंग कहते हैं ना, श्वेत रंग, श्याम रंग, रंग वर्ण, अक्षर, अक्षर को भी वर्ण कहते हैं, जैसे क ख ग ये सब वर्ण है, जाति को भी वर्ण कहते हैं, है ना। सुर देवता, स्वर आवाज, सूर्य, सूर्य को भी सूर्य कहते हैं। तीसरा हम लोग 17 से 32 तक देखे, समझ में आ गया होगा, इसके बावजूद कोई डाउट होती है तो कल के गूगल मीट क्लास में समझाएंगे। ओके, थैंक यू।